विधायक आज दिल्ली पहुंचे हैं। एआईसीसी में सांसद विधायक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकर, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट समेत प्रदेश के मंत्री और विधायक मौजूद रहे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे राजस्थान के सभी कांग्रेसी दिग्गज नेता, सांसद और विधायक आज दिल्ली पहुंचे। एआईसीसी में सांसद विधायक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट और प्रदेश के दूसरे भी नेता, साथ ही मंत्री विधायक भी आज दिल्ली एआईसीसी पहुंचे। तस्वीर इस वक्त आपके सामने। ईडी से 5 दिनों की पूछताछ के बाद आज एआईसीसी में आयोजित पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को पहली बार संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने पेशेंस और सचिन पायलट के धैर्य का उदाहरण दिया। राहुल गांधी ने ईडी की पूछताछ के अनुभव सुनाते हुए कहा कि ईडी के अफसरों ने मुझसे कहा था कि 11.5 घंटे बाद भी आप कुर्सी से नहीं हिले, हम थक गए लेकिन आप नहीं थके, इसका सीक्रेट क्या है? मैंने उन्हें सच बात नहीं बताई और कहा कि विपश्यना करता हूं, जबकि सच्चाई ये है कि उस 12 के कमरे में, यानी 12x12 के कमरे में देश का हर कार्यकर्ता, हर नेता और सरकार के खिलाफ बिना डरे लड़ने वाला व्यक्ति बैठा था, इसीलिए थकने का सवाल ही नहीं बनता। आखिरी दिन अधिकारियों ने मुझसे कहा कि बड़े संयम से जवाब दिए। ईडी के अधिकारियों ने मुझसे पूछा इतना संयम कहां से आया, तो मैंने जवाब दिया कि मैं 2004 से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, संयम नहीं आएगा तो क्या आएगा। इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने मंच पर पहली पंक्ति में बैठे सचिन पायलट की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो सचिन पायलट बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूं, सिद्धरमैया और रणदीप सुरजेवाला बैठे हैं, ये पार्टी हमें थकने नहीं देती है, ये हमें रोज पेशेंस सिखाती है। आप जानते हो पेशेंस कहां से आई? कह देना था कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं, पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी। इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए सचिन पायलट जी बैठे हुए। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद राजस्थान कांग्रेस के नेता एआईसीसी से रवाना हो गए। ईडी की पूछताछ के दौरान साथ देने वाले तमाम कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने धन्यवाद कहा। मुलाकात के बाद आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी कभी डरे नहीं, सच की लड़ाई लड़ते हैं, वो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने सभी कांग्रेस नेताओं से युवाओं को न्याय दिलवाने के लिए अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में आंदोलन करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले हैं। राहुल गांधी ने युवा, महिला, शोषित, पीड़ित वर्ग की आवाज उठाई है। उन्होंने हमेशा मुद्दों पर आधारित राजनीति की, इसीलिए मोदी सरकार उनसे विचलित होकर ईडी की कार्रवाई जैसी हरकत कर रही है, लेकिन हम सब राहुल गांधी के साथ मिलकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ और जनता के मुद्दों की आवाज उठाते रहेंगे। ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी लीडर हैं। राहुल गांधी हर मुद्दे पे बेबाकी से मोदी सरकार की तानाशाही जो नीतियां हैं, तानाशाही रवैया है, उनको एक्सपोज करते रहे हैं, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। तो ये सब डराने की कार्रवाई थी। राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा के मोदी जी ने ऐसा कृत्य किया है जो पूरा देश देख रहा है। नहीं लगे इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे अराजकता फैलेगी, और सेना का जो हमारे यहाँ पर जिस तरह का काम है, सेना का जिस तरह का वर्क है, जिस तरह की उनकी इमेज है, जिस तरह का उनका है, उसको भी वो छिन्न भिन्न करने पे लगे हुए हैं। 4 साल के सेना के लिए भर्ती होकर कौन अपनी जान नौछावर करने के लिए जाएगा? ये तो संविदा में नौकरी हो गई, 4 साल के लिए कौन नौकरी, 4 साल में भी 6 महीने की ट्रेनिंग, 3.5 साल लिए कौन अपनी लाइफ को कोई युवा खराब करेगा। राहुल गांधी के भाषण के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वो सत्य के रास्ते पर चलकर देश की सेवा, दलित, पीड़ित, गरीबों की आवाज उठा रहे हैं और केंद्र सरकार इस आवाज को दबाने के लिए ईडी समेत तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी ने सबको निर्देश दिए हैं कि युवाओं को न्याय दिलवाने के लिए अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का कार्यकर्ता देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करे, और इसीलिए हमने तय किया है कि 27 जून को प्रदेश में सभी ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर इस योजना को वापस लेने के लिए जन जागरण अभियान चलाएंगे। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अब अलोकतांत्रिक हो चुकी है, पूरी तरीके से ये साबित हो चुका है कि अमित शाह जी ही बटन दबाते हैं, उतना ही काम दिल्ली पुलिस करती है, कानून के हिसाब से काम नहीं करती है। 27 तारीख को हम पूरे प्रदेश में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे।
और मोदी जी और मोदी जी की सरकार को ये चेतावनी देंगे कि अभी भी समय रहते इन युवाओं के साथ न्याय कीजिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने यह आह्वान किया है कि इस अग्निपथ योजना का कांग्रेस पार्टी ठेठ गांव से लेकर दिल्ली तक उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। जिस प्रकार मोदी जी को काले कानून किसानों के वापस लेने पड़े थे, उसी प्रकार से अग्निपथ योजना को वापस लेना ही पड़ेगा।